मैं इस वीडियो के प्रारंभ करने के पूर्व आपको बतलाना चाहता हूँ कि आज का यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके लिए, देश के लिए, एक सभ्य नागरिक बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं इस बात का रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, महसूस करिए, आपके लिए, देश के लिए, देश के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसके बारे में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, महसूस करेंगे आप इस बात को कि देश के प्रति आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है, महसूस करेंगे इस बात का कि सिर्फ और सिर्फ आप अधिकार ही नहीं चाहिए आपको, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश के प्रति आपके कर्तव्य क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय संविधान की श्रृंखला में लास्ट क्लास में हमने राज्य की नीति के निदेशक तत्व के संबंध में तीसरा भाग जो है प्रस्तुत किया था। इसके बाद आज के इस क्लास में हम भारतीय संविधान की श्रृंखला में तीसवां वीडियो जोड़ने जा रहा हूँ। जो व्यूवर्स पहली बार आप इस वीडियो से हमसे कनेक्ट करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले के सारे वीडियोस जो है वो आपके लिए है, इसलिए बेहतर होगा कि वो सारे वीडियोस क्रम से देखें। और सब एकदम क्रम से है, सब चैप्टर वाइज है, और जैसे जैसे हमारा संविधान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम भिन्न भिन्न चैप्टर्स में प्रवेश करते जा रहे हैं। इसी तरह से भारत के संविधान के साथ साथ जो है हमने आपको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अब तक 30 वीडियोस जो है ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो निश्चित रूप से इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे जो है कह सकते हैं भारत के संविधान और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत सारी बातें हमने की है, और जो सबके सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सबके सब अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है, और विभिन्न एग्जाम्स में किसी ना किसी रूप में उससे संबंधित सवाल पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, एक बार अगर मैं इस मतलब डिजिटल बोर्ड के थ्रू जो है यूट्यूब में मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है मैं बताऊं आपको, तो आप यहां पे देख रहे हैं ये मेरा YouTube चैनल खुला हुआ डिजिटल बोर्ड में। ठीक है ना, इसमें आप देखिएगा हमने कितने वीडियोस जो है, आपको आश्चर्य होगा कि इस दौरान हमने कितने वीडियोस जो है वो डाले, करीब करीब 60 वीडियोस के आसपास हमने डाले थे। ठीक है, तो ये सब देखिए पूरा वीडियोस जो है, एक दिन हमने जो है हिस्ट्री से डाला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से डाला, और फिर दूसरे दिन जो है फिर हमने एक संविधान से, फिर हिस्ट्री से, फिर संविधान से, इस तरह हमने कई जो है वीडियोस डाले। ये सारे वीडियोस पूरे के पूरे जो है आपके लिए है। ठीक है, आपसे जुड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से ये ना सिर्फ भारत के इतिहास से संबंधित वीडियोस है, भारत के संविधान से संबंधित वीडियोस है, बल्कि ये आपके भविष्य के निर्धारण करने वाले वीडियोस है। तो ये सारे जो वीडियोस है जरूर देखिएगा। देखिए हमारे वीडियोस जो है इस लॉकडाउन सेशन में यहां से स्टार्ट हुआ था, भारत के संविधान का एक परिचय। ठीक है, फिर संविधान क्या है, तो शुरू में हमने क्या है कि संविधान के ही वीडियोस जो है 5 के आसपास बनाए थे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट किया, और फिर यहां पर क्रम से जो है वो चलता रहा। फिर बीच में हमने क्या है कि दोनों को बराबर क्रम करने के लिए 3-4 वीडियोस निष्ठ मोमेंट पर लगातार जो हमने बनाए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि सिक्वेंस जो है दोनों का, संविधान और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों का सीक्वेंस जो है वो क्या है कि मिल गया। तो यहां तक हमने वीडियोस बनाए, इसके पहले का वीडियोस देखिएगा जो मेरे बहुत पहले से वीडियो हुआ करते थे। ठीक है ना, ये समझ लीजिए कि वास्तव में यूट्यूब पर मैं बहुत पहले से था, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, करीब 1.5 साल पहले से था, लेकिन उस समय मैं उतना कह सकते हैं कि चूंकि क्लास हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते थे, ठीक है, और मेरे पास उस समय डिजिटल बोर्ड नहीं थे, तो इसलिए मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लेता था। लेकिन जब से डिजिटल बोर्ड आया, और खासकर एक कह सकते हैं ये सहयोग, सुखद सहयोग ये रहा कि लॉकडाउन पीरियड के जस्ट पहले हमने इस पर पूरी मतलब जो है कह सकते हैं कि काम कर लिया था, और ये संयोग रहा, दुर्योग व्हाटएवर जो भी कहिए, कि ऐसी स्थिति में ही लॉकडाउन हुआ तो हमारे पास एकदम पूरे संसाधन मौजूद थे, जिसकी वजह से मैंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और हमने इतने सारे वीडियोस जो है वो क्या है कि बना डाले। तो यहां पर जो है मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि हमने बहुत ही सिंसियर
सिंसियरली आपके लिए काम किया, आप कितने सिंसियर है, कितना सिंसियरली इसका फायदा उठाया, यह आपको जो है वो क्या है कि सोचना है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम जो है 30वां वीडियोस भारत के संविधान से संबंधित बनाने वाले हैं, और जिसका जो विषय होगा वो विषय है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 का के 51 का अनुच्छेद जो है 51 का में ये सारे जो है वो क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जोड़े गए हैं। तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आज के क्लास में बात करेंगे। भारत के संविधान में अब तक हमने जो भी बातें पढ़ाई है, चाहे वो कह सकते हैं कि भारत के जो संघ और राज्य क्षेत्र है उसके बारे में हमने आपको बताया, इसके बाद हमने भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया था, फिर भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया, ठीक है, भाग 4 में हमने नीति निदेशक तत्व के बारे में, और ये समझ लीजिए ये जो खंड जितनी भी बातों की चर्चा अभी तक हमने की है और एक जो है मूल कर्तव्य बचा हुआ है, तो ये पूरा सेगमेंट जो है ये अपने आप में एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ अच्छा नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं कि हमें एक व्यक्ति के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमारे क्या अधिकार है, इस अधिकार को समझने के लिए, देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य है, आज की इस क्लास में हम सब बात करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये उसके अंतर्गत, साथ में राज्य के एक प्रकार से अपने देशवासियों के प्रति क्या कर्तव्य है, राज्य को क्या क्या करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज जब बनाएंगे तो उस पॉलिसी के निर्धारण में उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में हमने आज तक अभी तक जो है चर्चा कर ली है। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जो राज्य को क्या करना है ये हमें बताता है, राज्य के लिए जो है वो क्या है कि राज्य हमारे लिए कौन सा काम नहीं करना है उसको ये है, नागरिकता किसी भी देशवासी का अगर, या कह सकते हैं भारत के बाहर रहने वाले कोई व्यक्ति है उसको अगर हिंदुस्तान की नागरिकता चाहिए तो उसके उसकी नागरिकता की कैसी व्यवस्था होगी, भारत की आज़ादी के समय जो लोग पाकिस्तान चले गए अगर वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे तो उनकी नागरिकता की क्या विशेषता व्यवस्था होगी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता कैसे खत्म होगी, बहुत सारे ऐसे लोग जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान या पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आए, देश के दुनिया के किसी अन्य देश में है लेकिन वो हिंदुस्तान की नागरिकता चाहते हैं उसकी कैसी व्यवस्था, ये सारी बातें हमने अभी तक जो है वो चर्चा की है। लास्ट जो है अभी इस पूरे सेगमेंट में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, ये किस रूप में फंडामेंटल राइट्स से भिन्न है, ठीक है, नीति निदेशक तत्व के खंड में इसको जोड़ा गया, आपको आश्चर्य होगा, आप अगर इसको मतलब थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए तो आपको इस बात का कह सकते हैं कि एक आश्चर्य होगा कि मौलिक अधिकार का खंड जो है वो अलग है, ठीक है, और मौलिक अधिकार के खंड के बाद फिर नीति निदेशक तत्व आता है और नीति निदेशक तत्व में मूल कर्तव्य जुड़ा हुआ है, और आपको ये लगेगा कि मौलिक अधिकार अगर हमारे हैं तो राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य है वो मूल कर्तव्य क्या है, ये मूल कर्तव्य तो मौलिक अधिकार वाले सेगमेंट में होना चाहिए, लेकिन ये वास्तव में क्या है कि नीति निदेशक तत्व वाले सेगमेंट के बाद, समझ रहे हैं, भाग 4 के बाद में, भाग 4 का है, ठीक है ना, तो भाग 4 का में जुड़ा हुआ है, तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इसे मूल कर्तव्य को जोड़ना चाहिए था मौलिक अधिकार में, लेकिन यहां पे इसको नीति निदेशक तत्व के बाद वाला जो चार भाग 4 का है उसमें इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये आपको समझ में आया, फंडामेंटल राइट का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति के रूप में या फिर एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ राइट्स हैं, ठीक है, और राज्य यानी कि जो सरकार है वो सरकार किसी भी स्थिति में हमारे उस फंडामेंटल जो राइट्स है उस राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकती है, उसको छीन नहीं सकती है, और अगर सरकार छीनती है, राज्य अगर उसे छीनती है तो हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज होने चाहिए, हमारे पास क्या होने चाहिए, संवैधानिक उपचार होने चाहिए, और ये सारी व्यवस्थाएं हमारे देश के संविधान के भाग 3 में जो है वो क्या है कि प्रदान किया गया है। तो एक नागरिक के तौर पे, एक कह सकते हैं कि इंसान के तौर पे एक व्यक्ति के क्या अधिकार हो सकते हैं, ठीक है ना, उस अधिकार का विवेचन वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है कि उसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना। तो हमारा एक इंसान के तौर पे, नागरिक के तौर पे हमारे कुछ राइट्स हैं, उस राइट्स का उल्लंघन अगर होता है तो वो न्याय योग्य है, ज्यूडिशियबल है, न्यायालय में मुझे जाने का अधिकार है, और हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को तो करना ही करना है उस पर सुनवाई, ये सारी जो बातें हैं वो फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन यहां पर ये भी समझना है कि एक नागरिक के तौर पे, ठीक है ना, एक नागरिक के तौर पर केवल और केवल हमें अपने लिए अधिकार चाहिए या हमारे देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए,
केवल और केवल जो है हम जब हमारे देश का संविधान जब बना था मूल संविधान, उस मूल संविधान में आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ये सवाल पूछा जाएगा कि वर्तमान भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आपको मालूम है 11 है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1976 में कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज आए, 10 आए थे, ठीक है। 10 मूल कर्तव्य आए, लेकिन भारत के मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो क्या है कि नहीं थे। आश्चर्यजनक बात है, ठीक है। सवाल ये पूछा जा सकता है, सवाल ये किया जा सकता है, आप मुझसे कर सकते हैं कि क्यों नहीं था, ठीक है ना। अगर आप नहीं कर सकते, मैं खुद से जो है प्रश्न सवाल जो है वो क्या है कि मैं क्रिएट कर रहा हूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में क्यों नहीं था, ठीक है। और आप इस बात को जान लीजिए कि वास्तव में हिंदुस्तान को ही बात छोड़िए कि जो पाश्चात्य जगत के जितने भी कंट्रीज हैं उसके अधिकांश देश जो है उस अधिकांश देश के संविधान में कहीं पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात अलग से नहीं की गई है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि केवल कम्युनिस्ट कुछ कंट्रीज है, जैसे सोवियत संघ, अब रूस हो गया, ठीक है ना, रूस वगैरह को छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के अतिरिक्त जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। अदरवाइज दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं की गई है। पाश्चात्य जगत के किसी भी कंट्रीज के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। हमारे देश के संविधान में भी जो है मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं रखे गए थे। क्यों नहीं रखे गए? रीजन ये था कि वास्तव में क्या हुआ कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो संविधान सभा के, देखिए उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय के जो सरकमस्टांसेस थे, उस समय हम सब यही सोच रहे थे। और वास्तव में जिस तरह से 200 सालों की दास्ता या गुलामी से भारत मुक्त हुआ था, सब लोग एक प्रकार से एक फ्रीडम महसूस कर रहे थे। लग रहा था कि अंग्रेज चले गए, अब हम अपने हिसाब से हम अपनी जिंदगी जिएंगे, अपने देश का निर्माण करेंगे, उसके भविष्य का निर्माण करेंगे। तो उस समय का जो कह सकते हैं कि भारत था, हम कह सकते हैं कि सदियों के या कह सकते हैं कि दशकों की जंजीर से मुक्त होने के बाद जो स्वतंत्रता फील कर रहा था, उसमें कोई भी व्यक्ति यही सोच रहा था कि नहीं, हमारा देश है, देश के प्रति हमारे अपने कर्तव्य हैं। अगर हम देश से कुछ पाना चाहते हैं तो देश के प्रति हमारा जो है, हमारे कुछ देन भी है, हमारी कुछ ड्यूटीज भी है। तो ये सारी बातें लोग या संविधान सभा के सदस्यों ने ऐसा ही सोचा कि संविधान के अंतर्गत इसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। और पाश्चात्य जगत के किसी भी देश में चूंकि उल्लेख नहीं था, तो नहीं होने की वजह से क्या है, और चूंकि हमने बहुत सारी बातें जो है विभिन्न देशों से लिया, तो उन देशों में हमने देखा कि वहां पे कहीं पे भी फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं है। तो वहां पे क्यों नहीं है तो वहां पर रीजन ये था कि वहां के लोग जो है वो क्या है कि वहां का सिविक सेंस अच्छा था, वहां के लोग खुद से देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है ये संविधान में उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति खुद जो है अपने देश के प्रति उसकी क्या ड्यूटीज है वो खुद ऑब्जर्व करेगा, खुद उसका जो है उसको क्या करेगा, उसका पालन करेगा, उसका अनुपालन करेगा। इसके लिए संविधान में उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पाश्चात्य जगत के जो है संविधान के जो निर्माता थे उन लोगों ने सोचा, हमारे देश के निर्माताओं ने भी ऐसा ही सोचा, ठीक है। और उस समय का माहौल जो था उसमें यही लगता था कि हिंदुस्तान का हर आदमी क्यों अपने देश के खिलाफ क्यों काम करेगा, अपने देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेगा, ये कैसे हो सकता है। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उस वजह से हमारे देश के संविधान में, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य की बात नहीं की गई, ठीक है ना। लेकिन समय बीता, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, यह ध्यान रखना है आपको। फिर क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, इसके बाद 11वां ना कि 11 मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जो है वो क्या है कि जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया। तो इस तरह से टोटल जो है वर्तमान की अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है, 11 है, ठीक है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 हो गई। अब यहां पे ये समझना है
कि मूल कर्तव्य की जो संख्या है, मूल कर्तव्य 11, चलिए 11 मूल कर्तव्य जो है वो क्या है, कि क्या है एक एक मूल कर्तव्य में, वो मैं बाद में जिक्र करूंगा। लेकिन कभी आप सोचो कि हमारे देश के प्रति, मैं खुद से, आप समझिए कि जो है आपने मूल कर्तव्य की वो बातें नहीं पढ़ी है, तो आप अगर ये सोचो कि हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, ठीक है, हमारे क्या कर्तव्य है, तो यहां पे देखिए क्या है, जैसे संविधान, राष्ट्रीय, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान हमारे लिए क्या है कि अगर देखा जाए दुनिया में, चाहे जितनी भी बात, अगर हम सांसारिक रूप से देखें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, आप सांसारिक रूप से, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सांसारिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे देश के लिए सर्वोपरि पुस्तक या स्क्रिप्चर या आप कह सकते हो कि जो भी लिटरेचर, वट एवर, जो भी नाम देना चाहे, वो क्या चीज है, वो हमारे देश का संविधान है। हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है, हम सब संविधान के आधार पर ही अनुशासित है। भले ही हम भारतीयों ने ही अपने देश का संविधान बनाया, लेकिन जब संविधान बन गया तो हम भारतीय उसी संविधान के आधार पर शासित होते हैं, उसी संविधान के अंतर्गत वर्णित बातें या जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, संवैधानिक अपेक्षा, उसी संवैधानिक अपेक्षा के हिसाब से हम सब क्या कर रहे हैं, जीवन यापन करने लगे, ठीक है, बनाया हम लोगों ने ही, लेकिन अब हम उसी संविधान के आधार पर शासित होते हैं। सर्वोपरि महत्व रखता है, भले ही संविधान ने हमें आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन का भी अधिकार दिया, लेकिन यह अधिकार भी हमें जो मिला है वो किससे मिला है, संविधान से ही मिला है। ये ध्यान रखिएगा, ये मनमाना जो है और संविधान के तौर तरीके हैं, उस तौर तरीके के आधार पर ही जो है हमें क्या है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो अब आप देखिए ये संविधान में लिखी हुई जो है जो बातें हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, और यही बात है, यही ध्यान रखिएगा कि संविधान में जब कोई चीज शामिल हो जाती है, मूल संविधान में या फिर किसी भी संशोधन के माध्यम से जब हम संविधान में बातों को शामिल कर देते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका असर ये होता है कि वह जो बात होती है ना, वो एक कह सकते हैं कि एक पवित्रता उसके साथ जुड़ जाता है, एक भाव जुड़ जाता है पवित्रता का, एक पायसनेस का भाव जो है जुड़ जाता है कि संविधान में, मूल संविधान में इसका उल्लेख था या इसका उल्लेख है, तो ये अपने आप में बहुत ही डिग्निफाइड हो जाता है, उसकी पायसनेस बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी जो पवित्रता है ना, वो पवित्रता क्या है कि बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सारे जो संवैधानिक आयोग है, तो हम अगर संविधान की बात करें तो वास्तव में क्या है कि अगर देखा जाए हमारे क्या ड्यूटीज है, हमारे ड्यूटीज ये है कि हम संविधान की जो बातें हैं उसमें वर्णित जो बातें हैं उस संविधान का हम पालन करें। और अक्सर जो है वो क्या है कि मतलब जो है आजकल इस तरह से एक फैशन सा चल पड़ा है कि संविधान की रक्षा के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको देखिएगा, माइनॉरिटी ऑब्जर्व करिएगा, हर एक की बात मैं कर रहा हूं, किसी पार्टिकुलर जो है लीडर्स पार्टीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि संविधान की रक्षा कर रहे हैं संविधान के, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सचमुच में उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं संविधान के पालन की बात तो करते हैं लेकिन संविधान के उल्लंघन उसी में कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि अगर नागरिकता संबंधी जो है वो प्रावधान आपने पढ़ा या हमने बताया आपको कि नागरिकता के संबंध में जो कुछ भी करेक्शन होना है, जो कुछ भी डिसीजन लेना है, जो भी कानून बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो है पार्लियामेंट, देश का जो पार्लियामेंट है वही बना सकता है, वो यूनियन लिस्ट का विषय है और यूनियन लिस्ट में शामिल जो भी विषय है उस विषय पर कानून संसद बनाएगा और पूरे देश को उसे लागू करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कहते हो कि संसद द्वारा पारित किसी कानून का कोई राज्य अगर ये कहता है कि मैं लागू नहीं करूंगा, लागू नहीं करूंगा, और आप साथ में ये भी बोल रहे कि संविधान खतरे में, संविधान को जो है हमें बचाना है, और फिर आप ये कह रहे हो कि संसद द्वारा पारित किसी कानून को, हम नागरिकता संबंधी कानून को हम अपने अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, ये एक प्रकार का संविधान का उल्लंघन है। क्यों संविधान का, क्योंकि संविधान ये कहता है कि नागरिकता पर एकमात्र जो कानून का बनाने का अधिकार है वो बनाने का अधिकार संसद को है, और संसद को है तो उसका अनुपालन जो है राज्य को, संसद किसके लिए, पूरे देश के लिए, संसद किसी एक दिल्ली के लिए तो संसद नहीं है, संसद जो कानून बनाएगी पूरे देश के लिए बनाएगी, तो पूरे देश में हर एक राज्य आता है, और कोई एक राज्य भी अगर उसके अनुपालन की बात नहीं करता है, अगर उसको पालन करने की बात नहीं करता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, संविधान का उल्लंघन है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि एक नागरिक के तौर पे, चलिए अभी मैं राज्य की बात छोड़ दे रहा हूं, कि यहां पर ये समझिएगा कि एक नागरिक के तौर पे हमारा जो फर्ज है वो फर्ज क्या है, संविधान का पालन करें, संविधान के जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, संविधान की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का हमें क्या करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए। साथ में क्या
है कि आप ऐसे सोचो और क्या हो सकता है, और हम क्या, केवल आप सोचिए तो हमारे देश में जैसे आज़ादी इतने सालों के बाद मिली, और आज़ादी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था, और इसके पीछे कितने लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी। ठीक है, सारे राष्ट्रीय आंदोलन सब आप कुछ समझ ही रहे हैं, तो कितनी कुर्बानियां दी। तो इसीलिए संविधान हमसे इस बात की अपेक्षा करता है कि वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, उन आदर्शों को, संस्थाओं को, हमारे महापुरुष हैं उनके विचारों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए। तो ये बात जो है वो क्या है कि ये एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी और क्या है हमारी, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे कर्तव्य जैसे देश की जो है वो क्या है कि प्रभुता, एकता और अखंडता, हमारे देश की सॉवरेंटी जो है वो हमारे लिए जो है फर्ज है कि उसकी बरकरार, उसे बरकरार रखा जाए। हमारी जो एकता है, यूनिटी है, हमारी जो अखंडता है, इंटीग्रिटी है, ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि ये हमारे, हमारी जिम्मेदारी है। केवल ये नहीं कि हमने सरकार बना दी, बस सरकार बना दी, सरकार ही सारा काम करे, ठीक है, सरकार ही सारा काम करे, ये कोई मतलब जो है ये एक प्रकार से समझ जाइए अपने जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों से विमुख होना है। हम जो है देश के प्रधानमंत्री या देश के किसी जो है सांसद विधायक को चुन देने से हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के रूप में, एक सबसे छोटी इकाई के तौर पर देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों का निर्वहन हमें करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देश की रक्षा करें, और देश को जब जरूरत हो, जब जरूरत हो, देश जब पुकार रहा हो, जब वो कराह रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम जनता का फर्ज है कि हम क्या करें, सेवा दें। हम अपने देश की जो है वो क्या है कि सेवा करें, और देश की सेवा कई रूपों में हो सकता है। कई भी तरह से गंदगी है तो गंदगी का हम लोग जाकर स्वैच्छिक जो है वो क्या है कि सेवा दे सकते हैं। सेवा के बहुत रूप है, ठीक है ना, बहुत तरीके के सेवा है। सेवा की अपनी कोई जो है कह सकते हैं कि कोई एक लिमिटेड स्वरूप नहीं है, और हर आदमी जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, मतलब एक कह सकते हैं बियॉन्ड लिमिटेशन, उसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है कि इसके अतिरिक्त जो है क्या हो सकता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट, सामासिक संस्कृति, कॉमन ब्रदरहुड होनी चाहिए। एक जो है वो क्या है कि हमें वन्य जीवों की, हमें नदियों की, हमें झीलों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। वो प्रकृति है ना, प्रकृति क्या करती है ना कि प्रकृति भाई वास्तव में गिव एंड टेक पे काम करती है। प्रकृति अगर हमारी हमें कुछ देती है ना, तो प्रकृति भी हमसे कुछ अपेक्षा करती है कि हम भी उसे कुछ दें। और क्या देना है, बस कुछ नहीं देना, प्रकृति को कुछ नहीं चाहिए, बस उसको आप बेमतलब का, उसको आप दुरुपयोग मत करो, ठीक है, उसको मिसयूज नहीं करना है। इसलिए वन, वन्य जीव कह सकते हैं कि नदी है, झील है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, हमें रक्षा करनी चाहिए, हमें देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिफिक टेम्परामेंट है, साइंटिफिक टेम्परामेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वास्तव में जो है अगर देखा जाए तो आज जो दिक्कतें हैं दुनिया में, वो दुनिया में क्या है कि वास्तव में जो है क्या है कि हम धर्म धर्म को लेकर लड़ रहे हैं, भाषा भाषा को, क्षेत्र क्षेत्र को, जेंडर आधार पर महिला पुरुष लड़ रहे हैं, ब्राह्मण शूद्र लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ रहा है, चाइना जो है वो क्या है कि अपना एक पूरी दुनिया में कह सकते हो कि एक सुपर पावर दिखाने के लिए वो अपनी दादागिरी कर रहा है, ठीक है। अमेरिका की भी सिचुएशन जो है वो क्या है कि इस तरह की जो भी चीज़ें है, चाहे जो भी दादागिरी, वास्तव में उससे क्या हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं रीज़न सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को जो है वो क्या है कि खो रहा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या करता है, वो कहता है कि लॉजिकली आप सोचो, ठीक है, कि लॉजिकली सोचने का मतलब है कि आप राष्ट्र की बात करिए, ठीक है, आप आत्मनिर्भरता की बात करिए, लेकिन आत्म केंद्रित होने की बात मत करो आप, ठीक है ना। इसको कहते हैं कि सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है, लेकिन सेल्फ सेंट्रिक, केवल अपना, आत्म केंद्रित का मतलब सिर्फ अपना, बाकी दुनिया जाए जो है वो क्या है कि भाड़ में, उससे हमको कोई मतलब नहीं, केवल मुझे अपना विकास करना है। इसी को अंधराष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है, इसी को अंधराष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद अच्छी बात है, बट अंधराष्ट्रवाद का मतलब हो गया कि केवल मुझे अपने देश से मतलब है, किसी अन्य देश से हमें कोई वास्ता नहीं। जैसे चाइना जो है एक अंधराष्ट्रवाद की जो है वो दौड़ में जो है वो कूद पड़ा है, और उसका हश्र क्या होगा कि उसका हश्र जो है, दुनिया तो तबाह होगी होगी, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि इस अंधी दौड़ में
राष्ट्रवाद की संधि दौड़ में जाहिर सी बात है कि उसकी आग में खुद चाइना जो है वो कह कि जल उठेगा। तो ये अपने आप में जो है वो कह कि तो ये एक साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म हो गया। ह्यूमनिज्म का हो गया कि मतलब इंसान जो है वो कह कि दो तरह की देखिए चीज़ें हैं, एक सहानुभूति है एक समानुभूति है, ठीक है ना। सहानुभूति का मतलब है कि किसी के दर्द में हम शरीक हो गए, हम जाके जो है किसी की डेथ हो गई, हमने कंधा लगा दिया, ठीक है, हमने जो है अर्थी को कंधा दिया, उसके बाद ये एक हो गया कि हाँ चलो भाई उसकी डेथ हो गई, बहुत दुख की बात है, हमने सहानुभूति प्रकट कर दी। समानुभूति जिसको एम्पैथी कहते हैं, पहला जो सहानुभूति हो गया वो सिंपैथी है, और जो एम्पैथी है, ठीक है ना, जो EMPATHY एम्पैथी है, इसको समानुभूति कहते हैं। और समानुभूति का मतलब क्या हो गया कि हमें जो है वो क्या है कि उसके ऊपर विपत्ति पड़ी, हमने उस जगह पे अपने को रख कर सोचा कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे कैसा लगता। तो जाहिर सी बात है एक होता है कंधा देना, एक होता है कि हमने फील किया उस जगह पे रख कर कि अगर मैं उस परिवार के बीच में होता तो उसकी मृत्यु मेरे लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता, कितना दुखद मतलब जो है वो हो सकता था। ये बात जो इस तरह की बातों को सोचना, एक मजदूर अगर वो रास्ते में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके गांव पहुंच रहा है, गांव में पहुंचने के बाद वहां पे भी जो है गांव वाले ने उसको बहिष्कृत कर दिया कि तुम इतने दूर से है, तुम जो है तुम कोरोना वेक्टर हो सकते हो, तुम जो है गांव को जो है वो कह के कोरोना से तुम जो है वो कह के उसको ग्रसित कर दोगे। इतना जो है विदेश में परदेश में भी अपना कोई नहीं मिला, ठीक है ना, उसको ठुकरा दिया गया, उससे जो है वो क्या है कि वो वापस आना पड़ा, लेकिन जब घर पहुंचा तो गांव वाले ने उसको तनखैया घोषित कर दिया, गांव वाले ने उसको बहिष्कृत घोषित कर दिया। तो अब आप सोचो कि उस जगह पे उसको कैसा जो है, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे संकट में कि क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है ना, जो लोग जैसे पता चला कि उसके हस्बैंड को जो है वो कोरोना हो गया डेथ हो गई, उसके बच्चे ने उसके पत्नी ने उस डेड बॉडी को लेने से इनकार कर दिया, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। उसके बाद जब पेशेंट हो गया वो कोरोना वेक्टर हो गया, पता चला परिवार वालों ने उसको छोड़ दिया, उसको एक जगह पर रख के उसको छोड़ दिया और कह दिया, और उसको जो भी उसके घर पहुंचाने की बात करता था उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ये एक तरह की जो सामाजिक जो है रूप से एक जो दुर्भावना का शिकार ऐसे लोग हुए, ठीक है, तो वो क्या होता है कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये हो सकता है कि चूंकि ये बीमारी ऐसी बीमारी ही है कि हर व्यक्ति इससे थोड़ा सा डिटेच्ड रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो इंसानियत की बात थी, जो कह सकते हैं मानवतावाद थी, वो कहीं ना कहीं उसका जो है वो क्या है कि खतरा हुआ। इसीलिए ये याद रखना है कि मानववाद ह्यूमनिज्म जो है वो कह के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कह के हो जाता है, ठीक है। तो मानववाद जो है वो कह के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, तो यही सब है। तो जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं ना, तो हम जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, हम सामासिक संस्कृति की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं। कंपोजिट कल्चर का मतलब हो गया कि वास्तव में एक जब हम सामासिक संस्कृति की बात करते हैं ना, तो वो सामासिक संस्कृति क्या है कि वो सब कुछ जोड़ने की बात करता है, ठीक है ना, सबको जोड़कर साथ में लेकर चलने की बात करता है। जो हमारे देश की अब तक की जो परंपरा है, जो रवायतें हैं, वो परंपरा ऐसी रही है जिसमें सबको जोड़ने की बात करता है। हमारे हिंदुस्तान, आप समझ जाइए कि हमारे हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो दुनिया की एकमात्र ऐसी कल्चर है, या हमारा देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी पुरातन जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी बातें अनवरत बिना किसी डिसकंटिन्यूएशन के आज तक जो है वो कह के चल रही है, उसमें कहीं किसी तरह का अवरोध नहीं हुआ है पिछले 5000 सालों से वो संस्कृति सभ्यता। लेकिन चीन की सभ्यता संस्कृति नष्ट हो गई, अब जो है वो क्या है इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता संस्कृति नष्ट हो गई, फारस की सभ्यता संस्कृति नष्ट हो गई, यूनान की सभ्यता संस्कृति नष्ट हो गई, रोम की सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो गई, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों में उसके समाज में आज भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं, अब बहुत सारी ऐसी मान्यताएं, बहुत सारे दार्शनिक ऐसी विचारधाराएं, सामाजिक ऐसी विचारधारा है, धार्मिक ऐसी जो है प्रथाएं जो बहुत सालों से कंटिन्यूअसली चली आ रही है, उसमें किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं लगा हुआ है। इसी बात को जो है मोहम्मद इकबाल ने रेखांकित करते हुए चार लाइन की बात कही थी कि यूनानो मिश्र रोमा समिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।
आप सोचो दुनिया भर में यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता सब नष्ट हो गए, और हमारे देश के ऊपर भी कितनी विपत्ति आई, कितने जो है लोग आए, किस तरह से शासन किया, शोषण किया, बावजूद देखिए हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है, नष्ट नहीं हो पाई। वो जो है कह सकते हैं ना कि हमारी सभ्यता और संस्कृति जो हमारे देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि देश में कहते हैं ना सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। हमारे देश की संस्कृति परेशान हो सकती है किंतु पराजित नहीं, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्यों हुआ, कहीं ना कहीं जो है हमने हमारे देश के प्रति, हमने जो मानवतावाद की जो बात थी, जो सामाजिक संस्कृति थी, सबको गले लगाने की बात। आप सोचो हमारे देश में सब आए, आप ईरानी देखिए, अरबी है, तुर्की है, मंगोल है, यूनानी है, शक है, पहलव है, कुषाण है, सब लोग आए, सबको इसने अपने दिलों में जगह दी। इसलिए किसी ने भारत की जो है, भारत को संस्कृतियों का महासागर, ओशंस, ओशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स का है, ठीक है। तो ये सारी जो विशेषता है ना, जो हमने सबको दिलों में जगह दी, यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारी जो है इंद्रधनुष्य रंगों से कह सकते हैं कि भरी हुई हमारी संस्कृति है, और यही हमारे देश की जो अपनी पहचान है, अपनी विशेषता है, और इसको किसी भी सूरत हाल में हमें नष्ट नहीं होना है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट यही होता है कि हम लॉजिकली समझते हैं, हम ये समझते हैं किसी के दर्द को, हम ये समझते हैं कि इंसानियत भी कोई चीज है, हम यह भी समझते हैं कि वास्तव में जो प्राणी मात्र है, प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर जो है वो दया भाव होनी चाहिए, हमारे अंदर एक कंपेशन होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे जो है नदी है, नाले हैं, ठीक है, इसके बाद वन्य जीव है, झील है, ठीक है, इनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, सामाजिक संस्कृति का पालन करना है हमें जो है, और क्या करना है, समरसता का पालन करना है, और साथ में क्या है, स्त्री सम्मान के विरुद्ध कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो स्त्री सम्मान के खिलाफ हो, कैसी किसी ऐसी जो है प्रथा का पालन नहीं करना चाहिए जो कि कह सकते हैं कि जो स्त्री सम्मान के जो है वो कह के विरुद्ध हो। लेकिन क्या होता है कि जब इस तरह की चीजें होती है, जब घटनाएं घटित होती है, और ये फ्रीक्वेंसी देखिए कोरोना संकट वगैरह सब में कह सकते हैं कि बहुत सारी जो है जो कष्ट है, उस कष्ट की तो कोई मतलब जो है कोई उसका विश्लेषण ही जो है शब्दों में नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस कोरोना के वजह से जो है बहुत सारी हमें जो है वो क्या है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर उसका सकारात्मक रिजल्ट देखें तो सकारात्मक रिजल्ट जो है इसके बहुत भी, उसके सकारात्मक जो रिजल्ट है ना वो रिजल्ट इसके मतलब जो है नकारात्मक रिजल्ट से कुछ कम नहीं होगा, उसका परिणाम बाकी बल्कि जो है वो भारी ही रहेगा, ठीक है ना, भारी रहेगा। इसमें कितने जो है वो क्या है कि अच्छाइयाँ हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के पर्यावरण पर देखने को मिला। तो हमने कहीं ना कहीं क्या किया था कि इस अंधाधुंध भागती जो दुनिया है, दौड़ है, उस दौड़ का इस तरह से हिस्सा बन गए कि जिस प्रकृति ने हमें हमारी रक्षा की, हमारे भरण पोषण की व्यवस्था की, उसी प्रकृति पर हमने इतने अत्याचार कर लिए कि आप समझ जाइए ये सारी जो इतनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो टिड्डियों का 2020 में, तो मतलब आप समझ जाइए कि ऐसा लगता है कि जैसे कि जो है आपका मतलब कोरोना जो वायरस है COVID-19 वो तो है ही है, ठीक है, इसके बाद अम्फान का क्या हुआ, इसके बाद टिड्डियों का अटैक हो गया, फिर जो है कह सकते हैं मौसम आंधी और तूफान का एकदम जो है चल रहा है, मतलब इस तरह से एक तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग और सब चीज़ें जो है ये सारी चीज, चाइना का अटैक हो गया, ठीक है ना, चाइना जो है वो क्या कि एक तरह से मतलब कहने का मतलब है कि लगता है कि पूरी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए ये तमाम तरह की जो है वो दिक्कतों का, लेकिन बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो मानव ने कह सकते हैं कि चाइना और इंडिया का जो भी परिस्थितियां वो भी मानव के द्वारा की, प्रकृति ने थोड़ी पैदा किया, ठीक है, लेकिन प्रकृति ने भी अगर पैदा किया तो उसके भी जिम्मेदार प्रकृति नहीं है। प्रकृति देखिए गिव एंड टेक के सिद्धांत पे काम करती है, हमें जो है वो कह के इस संबंध में जो है वो कह के बात करनी चाहिए, ठीक है ना, इस पर जो है हम क्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं वास्तव में क्या है कि क्या क्या हमने बताया कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, स्वतंत्रता जो हमें मिली और जिनकी वजह से मिली, जिनके कंधों पे चलकर हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, उनके योगदान को हम ना भूलें, फिर साथ में देश की प्रभुता है, अखंडता है, एकता है, उसकी जो है हम कोई ऐसा काम ना करें कि हमारे देश की संप्रभुता
एकता को खतरा पहुंचे, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचे। हम जो है जब भी देश की रक्षा करनी है और जब भी देश को जरूरत हो, हम सबको अपनी सेवा जो है वो देनी चाहिए देश के लिए, ठीक है। इसी प्रकार सामाजिक समरसता की भावनाओं का विकास होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार सामासिक जो संस्कृति है, वो सामासिक संस्कृति जो हमारी परंपरा रही है, हमें उस तरह का काम करना है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे क्या है कि जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। हमें एक कॉमन ब्रदरहुड की बात, हमें मानवतावाद की बात करनी है, हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करनी है, हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा नहीं करनी है, हमें हिंसा से दूर रहनी है, ठीक है। ये सारे हमें जो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत रूप से हम उत्कर्ष की ओर सकारात्मक मतलब जो है चेष्टा से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश तरक्की करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें है ना, यही तो ड्यूटीज है ना हमारा, हमारे देश के प्रति। हमें चाहिए विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें चाहिए क्या धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, हमें चाहिए भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, हमें चाहिए किसी भी देश में भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। तो जब देश से आप इतना कुछ चाहते हो तो देश भी तो हमसे कुछ चाहता है ना। और वो क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि आप उसके लिए कुछ करिए और उसके प्रति जो हमारे जो कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदारी मूल कर्तव्य है। मूल शब्द यहाँ पे समझिएगा कि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल इसलिए क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हमारे तो हम जो है एक इंसान के तौर पे फिर हमारे क्यों कोई वजूद नहीं होगी। अगर हमें फ्रीडम बोलने का नहीं है, हमें फ्रीडम रहने का नहीं है, भ्रमण करने का नहीं है, खुलकर सोचने का नहीं है, तो फिर हम इंसान हैं किस बात का। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल, उसके होने से ही हम इंसान कहलाते हैं। तो ध्यान ये रखिएगा कि हम जो नागरिक है, भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिकों के द्वारा भी कुछ देश के लिए किया गया कुछ कार्य है। वो कार्य अगर हम पूरा नहीं करेंगे फिर हमारा देश भी देश नहीं रह जाएगा। यानी कि वो फंडामेंटल जो वर्क है, जो कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारियां हैं जो हमें अपने देश के लिए करना है, वो जरूरी है, वो देश को देश कहलाने के लिए, इसलिए इसे हम फंडामेंटल कहते हैं, इसको मूल कर्तव्य कहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर देश फिर किस बात का देश है, ठीक है। अगर राइट्स जो है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो अगर हमें नहीं होगा तो हम इंसान किस बात के हैं। तो उसी तरह से अगर देश के लिए वो बातें नहीं होंगी तो फिर देश किस बात के लिए, इसीलिए उसको कहते हैं मूल कर्तव्य, इसलिए इसको कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे लिए, मूल कर्तव्य हमारे द्वारा देश के लिए किया जाने वाला, वो क्या है कि ड्यूटीज है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही जो है वो क्या है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इतना इतने क्रम से हमने लय में बताया, ठीक है। तो आइए, आप जो है आपने आपको आपने सोचा नहीं होगा, आपने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन हमने जो है इस पूरे लेक्चर में अभी तक हमने जितनी भी बातें की ना, आप सोचो कि हमारे देश का फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 10 संख्या है, लेकिन हमने कितनी बातें बताई और कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जो बातें हमने बताई ना, हमने कोई सिक्वेंस नहीं बताया, लेकिन याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज में ये सारी बातें हैं जो मूल संविधान में नहीं था, जिसको लोग कह सकते हैं कि उसको जो है वो समझ नहीं पाते थे, ठीक है ना। उसको मेंशन किया गया, जिसने भी बनाया वो जो है समझिए कितने इंटेलेक्चुअल होंगे, कितने दूरदर्शी होंगे और कितना जो है बौद्धिक रूप से कितने सशक्त होंगे। वो देश के प्रति एक जनता की जिम्मेदारियों का कितना बड़ा एहसास उनके पास होगा, और जिसकी वजह से इतनी खूबसूरत जो है बातों का उसमें समावेश किया गया, और अपने आप में जो है बृहद है, मतलब एक छोटी सी बात है लेकिन एक बृहद कॉन्सेप्ट को अपने अंदर समाहित किए हुए, सामासिक संस्कृति, कॉमन ब्रदरहुड, मानववाद, साइंटिफिक टेम्परामेंट, प्राकृतिक पर्यावरण, संविधान, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने की कोशिश, प्राकृतिक पर्यावरण, सार्वजनिक संपत्ति, क्या नहीं है इसमें। और सब जितनी भी बातें बताई ना, हर एक जो बात एक कॉन्सेप्ट बताया वो एक बड़ा एक्सप्लेनेशन की मांग करता है। और आप समझ जाइए, हर एक जो बातें अभी हमने बताई सब में एक इंडिविजुअल निबंध भी लिखने को आ सकता, बल्कि आया हुआ है। जब हम लोग आईएएस दे रहे थे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो अभी बताया ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो हमारे हिंदुस्तान के मूल कर्तव्य में शामिल भी है, आप समझ जाइए इस पर जो है 3 घंटे का एक निबंध लिखने को आया था।
आप समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण है। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब मैं आपको बोर्ड पे ले जाऊंगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप समझ रहे कि हमने बहुत ही कंसंट्रेट होकर ये सारी चीज़ें हमने सुनाई आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात पसंद आया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे जाते हैं आपके डायरेक्ट जो काम की बात है, वो जो अभी जितनी बातें की वो इनडायरेक्ट है, वो एक आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करेगा जो हमने लेक्चर्स दिया। अगर हम सिर्फ फैक्ट्स बताते ना तो शायद वो सोच पैदा नहीं हो पाती, लेकिन हमने पहले लेक्चर देकर आपके इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्या किया। अब हम लोग समझेंगे आपके डायरेक्ट काम की बात, कि एग्जामिनेशन में इससे जुड़े हुए कैसे कैसे सवाल आते हैं, क्या क्या हमें याद रखना है, और जितनी भी बातें हमने बताई उसका क्रम क्या है, उसका सिक्वेंस क्या है, हम सब उसकी बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहला जो है मूल कर्तव्य, मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ कि पहला मूल कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उसका पालन करें। तीसरा है देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें, ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहे, ठीक है। पांच हो गया भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावनाओं का विकास करें, ठीक है, और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। इसके बाद छठी की बात करेंगे तो वहां पर सामासिक संस्कृति की बात की गई, उसमें कंपोजिट कल्चर की बात की। अगर सातवें की बात करें तो उसमें प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई। आठवें की बात करें, आठवें मूल कर्तव्य में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की गई। नौवें की अगर बात करें, नौवें मूल कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई। दसवें की बात करें तो उसमें यह कहा गया व्यक्तिगत और सामूहिक, यानी कि व्यक्तिगत रूप से भी और कलेक्टिवली सब समाज में मौजूद जो लोग हैं सबके साथ मिलकर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने की बात करें, ठीक है, उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने की बात करें, ताकि राष्ट्र जो है निरंतर तरक्की करता हुआ वो क्या है कि एक विकास के एक लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ठीक है। सेवा भाव होना चाहिए, फिर क्या होता है, और उसमें देखिए मतलब मुझे मतलब इतनी अच्छी बात लगती है कि उसमें हमारे देश के संविधान में ये कहा गया मूल कर्तव्य में कि हर एक व्यक्ति को हमेशा सुधार के लिए रेडी होना चाहिए। मतलब एक जो है कहते हैं ना लकीर का फकीर होना, कि बस एक चीज़ जो है महाजनों येन गतोह सो पंथा वाली बात है, कि बस एक रास्ता बना दिया गया, बस उसी रास्ते पे आप चल रहे हो, आप उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाइए, उसमें सुधार होते रहना चाहिए। सुधार की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, ज्ञानार्जन की भावनाओं का एक विकास होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। सुधार, निरंतर सुधार की भावना होनी चाहिए। ये सारी बातें हमारे देश के संविधान में किया गया, ठीक है। तो चलिए बात को और आगे बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए हमने कोशिश की है कि इसको लिखने की, ठीक है, और जितनी भी बातें हमने बताई ना सबको सजाकर हमने यहाँ पे लिखा है एकदम पूरा जो है वो क्या है कि आपका आपका बेहतर भविष्य, आप समझे जितना मैंने सजा के लिखा है ना आपके बेहतर भविष्य भी इसमें सजे हुए हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, वर्तमान समय में कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य, मूल संविधान में एक भी नहीं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़े गए, इसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां, ना कि 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए, दोनों में अंतर है, फर्क है। 11 मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए, 11वां, यानी 10 तो पहले से थे, एक 11 नंबर वाला जोड़ा गया, ठीक है। तो यहां पे जो है मूल संविधान में एक भी नहीं है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़े गए। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई बहुत आश्चर्यजनक बात भी नहीं थी, ठीक है। अब यहां पर देखिए मूल कर्तव्य कहां से है, ये केवल किसके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, ना कि विदेशियों के लिए। हम विदेशियों से ये अपेक्षा थोड़ी कर सकते हैं कि भाई हमारे राष्ट्रध्वज का आप सम्मान करिए, हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान आप गाइए ही गाइए, ठीक है। कोई भी विदेशी जो है अगर क्रिकेटर इंडिया में आती है कोई भी जो है, तो हम अपने देश के जो खिलाड़ी होते हैं अपने देश के राष्ट्रगान गाते हैं, उनके खिलाड़ी उनके देश के राष्ट्रगान गाते हैं। हम थोड़ी उनसे कहेंगे कि भाई हमारे देश का आए हो तो हमारे देश का राष्ट्रगान तुम्हें गाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। तो हम विदेशियों से हम अपेक्षा नहीं करेंगे, हम अपने देश से, देशवासियों से, देश के जो नागरिक हैं उनसे हम क्या करेंगे, अपेक्षा करेंगे, ठीक है ना। तो केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ना कि विदेशियों के लिए। और मूल कर्तव्य भाग 4 का में 51 का में जिक्र किया गया, ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा।
और कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, हमने जो है जब आपको कह सकते हैं मौलिक अधिकार की बात की थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित जो समिति थी उनकी सिफारिश के आधार पर जो है मूल अधिकार की बात की गई, मूल कर्तव्य की बात स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर की गई, और मूल चुकी और ये जो मूल कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है वो सोवियत संघ के संविधान से, अब तो रूस हो गया, ठीक है ना, लिया गया। और देखिए जो स्वर्ण सिंह समिति थे ना, समिति थी, उस समिति ने सिफारिश 8 मूल कर्तव्यों की थी, लेकिन सिफारिश में उनको उनके 8 कर्तव्यों को तो एक्सेप्ट किया गया, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ 2 और मूल कर्तव्य जोड़कर मूल कर्तव्यों की संख्या 10 की गई, और इस 10 मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का 51 का में जो है वो क्या है कि जोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए कि यहां पे देखिए मूल कर्तव्य प्रस्तावना, कुछ और बातें समझिएगा कि कुछ समाजवादी देशों में ही है, अभी अभी हमने बताया पश्चिमी राष्ट्रों में नहीं है। ठीक है, भारत के अतिरिक्त लोकतांत्रिक देशों में जापान में है। ठीक है, मूल कर्तव्य क्या है, प्रस्तावना व नीति निदेशक तत्व की तरह न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, यानी न्याय योग्य नहीं है, ज्यूडिशियबल नहीं है, इसका पालन स्वैच्छिक है, कोई विधिक बाध्यता नहीं है एक संवैधानिक अपेक्षा। इसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसे समझिए कि वास्तव में जैसे जब हम नीति निदेशक तत्व, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात की थी तो हमने बताया वो न्याय योग्य है। न्याय योग्य कहने का मतलब है कि अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जाकर आप एक संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकते हो, जो जिसने उल्लंघन किया उसके खिलाफ आप जो है वो क्या है कि उपचार प्राप्त कर सकते हैं। बट नीति निदेशक तत्व हमने आपको बताया, इसके बारे में बहुत ज्यादा लेक्चर मैं नहीं दूंगा, कि वो न्याय योग्य नहीं था, राज्य अगर पालन नहीं करता तो राज्य को आप न्यायालय में घसीट नहीं सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में एक बात समझिएगा कि जो भी बातें हमने जितनी बताई कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें, ठीक है, और आप बोल रहे हो क्या न्याय योग्य नहीं है, तो न्याय योग्य नहीं है तो क्या संविधान का अगर उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, अगर राष्ट्रध्वज का अपमान करता है कोई व्यक्ति, तो क्या उसकी कोई सजा नहीं होगी? तो ध्यान ये रखिएगा कि कोई विधिक बाध्यता नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्य से अपेक्षा कर सकती है कि वो जो है वो क्या है इस संबंध में कोई कानून बनाए, या फिर संसद ने उससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाया है तो फिर उसका उल्लंघन जो है वो कह के अपमान की बात होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे है कि न्याय योग्य तो आप कह रहे हो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि जैसे संविधान का पालन के उसके संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज आपको मालूम होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए कि उसका कैसे पालन करना है, कब उसको लगाना है, उतारना है, उसके क्या जो है लंबाई चौड़ाई होगी, कहाँ से बना होना चाहिए, कौन से कपड़े में क्या है, इसका पूरा कैसे उसका अनुपालन करना चाहिए, उसका जो है एक वस्त्र के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत तरह की जो भी, तो उसका एक फ्लैग कोड बना हुआ है, और फ्लैग कोड बना हुआ है ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको जो है वो क्या करना होगा कि आपको उसका सम्मान करना होगा, और अगर सम्मान नहीं करते हैं तो फिर आपके खिलाफ हो, चूंकि वो फ्लैग कोड बना हुआ है पूरा जो है संसद द्वारा पारित किसी एक तरह से कानून के तहत जो है ध्वज संहिता बनाए, तो उसका क्या है कि उसका पालन करना होगा आपको। आपकी एक समझ है कि भले ही वहां पर नहीं गया लेकिन अगर संसद ने उससे रिलेटेड कोई कानून बनाया तो वो विधिक बाध्यता हो जाती है, लेकिन मूल रूप से क्या है कि वहां पर इस तरह की बातें, जैसे आप देखिए मोर को राष्ट्रीय पक्षी, शेर को जो है राष्ट्रीय, जो है बाघ को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर चला गया उसके संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए आप मार दोगे तो फिर क्या है कि वहां पर विधिक बाध्यता, वहां पर क्या वहां पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी आपकी? तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा वन्य जीवों की रक्षा करना आपका फर्ज है, कर्तव्य है, ये कर्तव्य के रूप में तो कहा गया लेकिन क्या है, और कह रहे हो कि ये न्याय योग्य नहीं है, ज्यूडिशियबल नहीं है, लेकिन फिर क्या है कि फिर जो है आपको सजा कैसे, तो हो सकता संसद को मतलब जो है संविधान ने ही इस बात का अधिकार दिया है कि मूल कर्तव्य से रिलेटेड कोई भी अगर बात है संसद उस पर अगर कानून बनाती है तो उसका अनुपालन जो है वो क्या है कि करना पड़ेगा, ठीक है ना, और अगर उसका उल्लंघन होता है तो फिर क्या है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो यहां पर जो है वो क्या है कि विधिक बाध्यता नहीं है मूल रूप से संविधान में कहा गया, लेकिन अगर संसद चाहे और जो भी चीजें हैं जिस पर कह सकते हैं कि वो हमारे देश के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य है, जनता के द्वारा उसको ऑब्जर्व करना जरूरी है नागरिकों के द्वारा, और संवैधानिक बाध्यता या विधिक बाध्यता ना होने के बावजूद भी संसद जब देखेगी कि भाई नहीं पालन हो रहा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जब संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में,
तो जब देखा गया कहीं ना कहीं जब मूल कर्तव्य में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, फिर 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? तो कहीं ना कहीं क्या था कि जनता ने उसका उससे जो एक हमारे देश के संविधान ने जो अपेक्षा की, संविधान सभा के सदस्यों ने जो जनता के ऊपर छोड़ा था कि वो खुद ब खुद इसका पालन करेंगे, लेकिन उसने ऐसा पालन नहीं किया। तभी तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया ताकि लोगों को एहसास दिलाया जा सके कि आप ये कमी है आप में, हम जो है ये चीज पालन नहीं कर रहे। तो फिर वो क्या है, फिर उसके जोड़ने के बाद भी अगर लोग पालन नहीं करेंगे तो संसद क्या करेगी? संसद जो है वो क्या है, एहसास दिलाएगी, बनाए बताएगी, उस पर कानून बनाकर आपको बताएगी इसका पालन करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ बातों के मामले में, अधिकांश मामले में आप कह सकते हो कोई विधिक बाध्यता नहीं है, ठीक है ना, कोई विधिक बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर जो कुछ बातें ऐसी है जो एकदम कह सकते हैं बहुत ही सेंसिटिव है, तो ऐसी स्थिति में संसद कानून बनाकर उसको विधिक तौर पर आपको बाध्य करेगी उसका पालन करने के लिए। मैं जो समझ पाता हूँ उसके जो है यही है, ठीक है। तो यहां पे देखिए पालन स्वैच्छिक है, कोई विधिक बाध्यता नहीं, एक संवैधानिक अपेक्षा है, ठीक है। प्रस्तावना व नीति निदेशक तत्व की तरह न्यायालय में अप्रवर्तनीय, न्याय योग्य नहीं है, लेकिन न्यायालय इस संबंध में सामान्य निर्देश जारी कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कि मूल कर्तव्यों को भंग करने की स्थिति में यद्यपि संविधान में किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं है, किंतु संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कानून बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की दशा में दोषी व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था करें। अभी भी हमने बताया, ठीक है ना, यही जो है इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको आप समझिएगा, ठीक है ना, कि क्या है ये सब जो मैं बात बता रहा हूँ, ये हल्की फुल्की बात नहीं है। बाकी मूल कर्तव्य में गिनवा देता फिर निकल लेता, स्वर्ण सिंह समिति 10 मूल कर्तव्य, 11वां फिर मूल का संविधान में नहीं था, ठीक है, इस मूल कर्तव्य में ये है, बस निकल लिया, ठीक है ना। लेकिन बात इतनी छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इस पर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट भाग 4 का अनुच्छेद 51 का, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे सीक्वेंस। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो गया, इट शेल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हमने शॉर्ट में लिखा, अभी हम डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन देखिए क्या है, याद करने का एक तरीका क्या होता है कि तरीका ये होता है कि जब लंबा संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करे, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, ठीक है, देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावनाओं का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, भारत के सभी लोगों में सामाजिक संस्कृति एकदम समान भ्रातृत्व की भावनाओं का विकास करें, 7 प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, फिर वन, वन्य जीव, झील, नदी इत्यादि की जो है वो कह के रक्षा करें, ठीक है, 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना, सुधार की भावना, ये सब का विकास करें। ये सब जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, अब हमारी तरह आप रटेंगे तब तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, और रट लेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रट नहीं पाएंगे तब भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किसमें क्या है। तो इसके लिए तरीका ये है, उसको रटने का पहले डिटेल में तो पढ़ी है, लेकिन फिर इसको शॉर्ट में अगर आपको एकदम रटना है तो देखिए, पहला संविधान, दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन, तीसरा प्रभुता एकता और अखंडता, चौथा देश की रक्षा, पांचवां समरसता, छठा सामासिक संस्कृति, सातवां प्राकृतिक पर्यावरण, आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नौवां सार्वजनिक संपत्ति, दसवां उत्कर्ष की ओर, ग्यारहवां शिक्षा का अधिकार। समझ में पाता रही है? तो आप क्या करो कि उसका जो प्रत्येक लाइन है ना, उसका जो जिस्ट है, जो मेन शब्द है, बस उसको है, 7 प्राकृतिक पर्यावरण, कहीं से पूछा, 9 सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति हम लोग कहते हैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा नहीं, रक्षा करनी चाहिए। अब कुछ होता है भाई, बस ही जलाए पड़े हो, बिजली गई तो ट्रांसफार्मर ही जला दिया, ये कौन सी बात है, वो किसका जला रहे, हमारा ही तो है ना, आप जला दे रहे हो, तो वो क्या था, किसमें है, 9वां में, 9 सार्वजनिक, वो कहते हैं 9, अब ऐसे याद रख सकते हो, 9 सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं करना है, 9 है ना, 9 यानी 9वें में सार्वजनिक संपत्ति, और कहता है हिंसा से दूर रहे, 9 सार्वजनिक, 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 8 वैज्ञानिक, 7 प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, 6 सामासिक संस्कृति, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 समरसता, 5 समरसता है, समरसता यानी कि हारमोनी, ठीक है, 7 सम, तो क्या हो गया, पहला संविधान, दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन, तीसरा प्रभुता, एकता और अखंडता, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा
चौथा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा रक्षा करें, ठीक है। पांचवा हो जाएगा, पांचवा सभी सभा के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व। तो समरसता और कॉमन ब्रदरहुड जो है वो पांचवा होगा, छठा होगा सामासिक संस्कृति, सातवां प्राकृतिक पर्यावरण, आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नौवां सार्वजनिक संपत्ति, दसवां उत्कर्ष की ओर, ग्यारहवां शिक्षा का अधिकार। याद होगा ना, तो हमने शॉर्ट में लिख भी दिया है, अब आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। पहला संविधान, दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन, तीसरा प्रभुता एकता और अखंडता, चौथा हो गया देश की रक्षा, पांचवा हो जाएगा समरसता और समान भ्रातृत्व हो जाएगा, इसके बाद छठा हो गया सामासिक संस्कृति, सातवां प्राकृतिक पर्यावरण, आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नौवां सार्वजनिक संपत्ति, दसवां उत्कर्ष की ओर, ग्यारहवां 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा। मैंने तो डिटेल में रटा था इसको, ठीक है ना। फिर क्या है कि मैंने फिर आपके लिए सोचा कि चलो हमने तो रट लिया, और वास्तव में हमने अगर रट लिया तो आप क्यों नहीं रट सकते हो, ठीक है, आप रट सकते हो। और मुझे इसलिए रटना मतलब जो है मैं रट गया, क्योंकि मुझे ये इतना अच्छा लगा, इतना कॉन्सेप्चुअल है और हर एक बात इतनी सारगर्भित है कि दो लाइन दो वर्ड है लेकिन हजारों शब्दों की व्याख्या उसमें छिपी हुई है, तो मुझे इतना अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि इससे मतलब जो है ये ऐसी चीज़ है ना कि हमको फंडामेंटल राइट्स, हर विचार और अभिव्यक्ति की हमारी स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, संविधान खतरे में, लेकिन हम मूल कर्तव्य की बात ही नहीं करते हैं। कभी बोलता है यार देश के प्रति हमारा मूल कर्तव्य है, हमको तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप जो है कैसे 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 कर सकते हो, ये हमारा अधिकार है, लेकिन आपसे पूछा है तुम्हारा मूल कर्तव्य भी तो है, तो वो तो बात नहीं करते हम, तो हमें तो रट, लेकिन मूल कर्तव्य की भी जो बात है वो हम कैसे करेंगे, हम क्या, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि मूल कर्तव्य क्या है। आज आप पढ़ लोगे समझ लगेगा कि नहीं, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, संविधान इतना प्रेसियस, इतना पायसनेस है, इतना महत्वपूर्ण है, संविधान का हमें पालन करना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन, हमने जो है कितनी मेहनत और कितनी कुर्बानियां दी हमारे पूर्वजों ने, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन कर्मियों ने कितने जो है वो क्या त्याग दिया, इतनी मेहनत से मिली है हमें अपने देश के। अगर हम जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, गलतियां जो है अनजाने में हो जाती है, हम चूंकि हम जानते नहीं हैं, लेकिन क्या हुआ मेंशन कर देने से और मेरे एक्सप्लेन कर देने से, और आज अगर समझ जाओगे ना तो हो सकता है कि आपको एहसास होने लगे यार देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है, तो आप उस तरह से करने लगे। तो इसलिए क्या होता है कि पहले आपको याद होना चाहिए, ना सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि देश का अगर सभ्य और जिम्मेदार नागरिक कहलाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे ड्यूटीज है, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट, अभी इसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दिया। पहला, संविधान का पालन करें, टू अबाइड बाय द, हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है, हिंदी में भी है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान। इंपॉर्टेंट बात, नोटेबल जो पॉइंट है वो पॉइंट समझिएगा, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है, राष्ट्र गीत नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये 1976 की बात है, इस समय तक वंदे मातरम, मदर वी बो आवर हेड बिफोर यू, माँ मैं आगे तेरे आगे सर झुकाता हूं, और सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रगान में क्या है, राष्ट्रगान में एक धार्मिक जो है का ये लगाया गया, मतलब जो है वो क्या है कि देखिए वास्तव में मूल रूप से तो ऐसा है, लेकिन उसकी जो पंक्तियां हैं वो देश के प्रति हमारी वंदना है, हमने पूरे वंदे मातरम के गीत को नहीं अपनाया, उसकी कुछ पंक्तियों को हमने जो है राष्ट्रीय गीत के तौर पे अपनाया, तो उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है। और उसमें भी बस एक है कि मदर वो बो आवर, वी बो आवर हेड बिफोर यू, माँ मैं तेरे आगे सर झुकाता हूं, और फिर एक धर्म में है कि भाई सर जब भी झुकेगा उस ईश्वर की इबादत में झुकेगा, तो वहां पर इस पर लेकर डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट बहुत ज्यादा था, इसलिए क्या हुआ कि मूल संविधान में, मूल संविधान की अगर हम बात करें तो इस मूल संविधान में क्या है कि कहीं पर भी मतलब जो है राष्ट्रीय गीत की बात नहीं की गई। तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। तो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, ठीक है, एवं उसका पालन करें। तो स्वतंत्रता के लिए
यानी कि इंग्लिश में टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, ये हो गया, संजोए रखे हमने आपको, बताया कई बार बता चुका हूं, तो इसलिए राष्ट्र की प्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, एकता और अखंडता, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा। ठीक है ना, यानी कि जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में भी इसका जिक्र है, और साथ में मूल कर्तव्य में भी जो है, यानी कि तीसरे मूल कर्तव्य में यह कहा गया एकता और अखंडता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो एकता और अखंडता है, ठीक है ना, ये वास्तव में प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख है, प्रस्तावना में भी है, और हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये प्रभुता भी जो है वो क्या है, प्रस्तावना में भी है, प्रियम्बल में भी है। ठीक है, अक्षुण्ण रखें, देश राष्ट्र की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें का मतलब है उसको नष्ट ना होने दें, उसको अपहोल्ड, उसको उठाए रखें, जमीन पे गिरने ना दें, अक्षुण्ण रखें, अपहोल्ड करना। इसमें लिखा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये सब है एकता और अखंडता, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, रेंडर नेशनल सर्विस, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब आपको ऐसा करने को कहा जाए। पांचवा, हमने बताया भारत के सभी लोगों में समरसता, हारमोनी, सब एक साथ, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मैंने अंडरलाइन किया है, ऐसी प्रथा का परित्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सब, जो है स्त्री सम्मान के विरुद्ध कुछ अगर है तो वो काम नहीं करना है। अगर आप देश के लिए आप कुछ अधिकार चाहते हैं तो ये स्त्री सम्मान के विरुद्ध अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये सिर्फ उस स्त्री, पार्टिकुलर स्त्री के खिलाफ ही नहीं, आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। संविधान में उल्लिखित जो बातें हैं वो देश के लिए, नागरिकों के लिए। अगर आप क्या करते हो कि आप किसी महिला के खिलाफ, अगर आप किसी तरह की, अगर आप कह सकते हैं कि कुछ मतलब जो है किसी तरह का मोलेस्टेशन एक्टिविटीज में अगर आप इन्वॉल्व करते होते तो ना सिर्फ केवल उस पार्टिकुलर महिला की जो डिग्निटी है उस डिग्निटी का विरोध कर रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो, देश के खिलाफ काम कर रहे हो। इसलिए यहां पे साफ साफ लिखा है कि जो भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण कर, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, बात कुछ है, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा ये सब बातें। ठीक है, टू प्रोमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। ठीक है, ये हो गया। छठा हो गया हमारी सामासिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नेट वेट पे सर्च करिएगा कि सामासिक संस्कृति क्या होता है। ठीक है ना, हमने आपको बताया कंपोजिट, सबको साथ में लेकर चलने की जो संस्कृति है। ठीक है, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, प्रिजर्व, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, इसके बाद साथ है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब ये कह रहा है कि हमारे देश के प्रति हमारा जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, वो कर्तव्य जो है वो केवल और केवल व्यक्ति के बारे में मत सोचो, आप प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सोचिए, आप जो प्राणी है उसके प्रति कंपेशन, कंपेशन का मतलब दया भाव रखिए। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है ना, कितनी अच्छी बात है कि नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है,
उसको कहता है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करिए, केवल संरक्षण ही नहीं करना, रक्षा ही नहीं करनी, बल्कि उसका संवर्धन करें। संवर्धन करने का एक तरीका क्या होता है कि अभी जो है वो क्या है कि आपने देखा गोरैया, स्पैरो, पहले मुझे याद है कौवा वगैरह जो है वो सब क्या है कि हम लोग जब सुबह सुबह उठते थे बहुत छोटे थे तो देखते चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती थी, चर्पिंग जिसको कहते हैं, तो उसकी उसकी आवाज़ आती थी। लेकिन अब हम लोग नहीं देखते, हम लोग सुनते नहीं हैं, सुनते ही। लेकिन जब इस लॉकडाउन का सिचुएशन आया तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि वो चिड़ियों की चहचहाट और मैना, कोयल, इस तरह की जो है वो क्या है कि कुछ आवाज़ें जो है वो दिखने लगी थी, वो आवाज़ें जो है सुनाई पड़ने लगी थी। तो हम लोग क्या है कि वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया। इसके बाद क्या है कि उसमें उसके संवर्धन के लिए क्या काम करना है, तो गर्मी है, इतनी प्यास, अब आप सोचो कि पानी, हम लोगों ने इतने कंक्रीट जो है अपने शहरों में और आसपास के क्षेत्रों में इतने कंक्रीट बिछा दिए हैं कि अब तालाब उलाब तो है नहीं, तालाब वगैरह नहीं है, झील नहीं है, तो वहाँ पर क्या है कि पानी कहाँ मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, तो हम लोग जो है अपने छतों पर पानी के जो है वो कोई टब या पानी का कोई एक घड़ा कुछ रख दिया ताकि अगर कोई भूखे प्यासे भटकी हुई अगर चिड़िया आए तो उसको पानी मिले, उसको दिखे। चावल कुछ रख दिया, दाने रख दिए कुछ, तो ये सब क्या है कि हमें केवल प्रिजर्व नहीं करना, हमें उसके ध्यान रखना है कि कैसे उसका संवर्धन हो सकता है, कैसे उसका जो है वो क्या है कि एक तरह से इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसमें, कैसे और भी जो है। तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ठीक है ना। बहुत सारे कुत्ते वगैरह है, बहुत सारे मतलब इस तरह लॉकडाउन में जानवरों को बहुत सारे जो है वो क्या है कि सब बेचारे भूख से परेशान हो गए, कहीं पर भी कुछ जो है वो क्या पहले इधर उधर घूम कर चर लिया करती थी, लेकिन लॉकडाउन में कहीं कुछ हो नहीं रहा था। तो उस दौरान कुत्ते वगैरह बहुत सारे सोशल मीडिया में देखा होगा कि डॉग्स के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके बंदर वगैरह बहुत सारे जो है, तो ये क्या है कि ये प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, ठीक है। तो इसका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। आठ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत अच्छा हमें लगता है, और ये आईएएस मेंस में एक बार निबंध में आ भी चुका है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, मानववाद, ह्यूमनिज्म जो इंसानियत की बात करता है, और ज्ञानार्जन, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, सुधार की भावना, ज्ञानार्जन की भावना होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए और अपने आप को लगातार सुधार करनी है, ठीक है ना, विकास करें, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की। देखिए ध्यान ये रखिएगा, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, मुझे बहुत आकर्षित करता है, और आकर्षित इसलिए करता है कि देखिए बेरोजगारी जो है ना वो तो कुछ सिस्टम में मतलब जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उतने रोजगार तो नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना, आपको खुद से अपने में वो काबिलियत पैदा करनी होगी। तो ये काबिलियत कैसे पैदा हो सकती है, केवल ये मत सोचो कि यार है नहीं, बस परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि ऐसा हो नहीं पाया, सरकार ही निकम्मी है, तो ये है वो है, आप ये सोचो कि हम में जो है उसका रोना ना रोए, बल्कि इसमें कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या डेवलप कर सकते हैं। हुनर देखिए पैदा खुद से करना होगा, हुनरमंद बनिए, हमेशा से मेरी तो यही ख्वाहिश है, किसी काम को करने से आप घबराइए मत, किसी काम को श्रेष्ठ और हे नहीं, जब जो मौका मिले वो काम हमें करना है, चाहे हमें जो है जो भी जिस तरह से सिचुएशन है, आज सिचुएशन अच्छा है, मेरा सिचुएशन पहले मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि वास्तव में देखिए क्या है कि कोचिंग वगैरह के अचानक बंद हो जाने से आप अगर प्रभावित हुए हैं ना, तो प्रभावित हम सब भी हुए हैं, हम सब जो देखिए आप क्या है कि आपके पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उस सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से आप उसी तरह से खर्च करते हो ना, हम लोग के सोर्स ऑफ इनकम जैसे थे उसी के हिसाब से हम लोग के खर्चे थे, सोर्स ऑफ इनकम का डाउनफॉल अचानक हो गया लेकिन जो खर्च है वो एज स्टिल अपनी जगह पे बना हुआ है, तो एज स्टिल अपनी जगह पे बना हुआ तो ये कैसे अब आएगा, ये एक कठिन है काम है। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये किया कि अब जैसे YouTube पे आना था, मान लीजिए अब YouTube पे आना है, अब अगर मैं जो है पूरी टीम बनाता कि कैमरा मैन अलग होता है, एडिटिंग करने वाला अपलोड या कैसे कंटेंट राइटर्स टाइपिस्ट हो, फिर लेक्चर्स तैयार करने वाला, इस तरह से जो है तो हमको जो है करीब करीब आप समझ जाइए कि करीब करीब 50-60-70 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है हमको क्या होता है कि एक जुगाड़, एक तो अपना खर्च है अपनी जगह पे 60-70 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीने की एक इकट्ठा एक व्यवस्था करना पड़ता, और ऊपर से क्या होना है कि ऊपर से ये पैसा तभी लगाना आपके लिए सही होगा जब आपको उससे रिटर्न मिले। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है
कि इसमें हम आपसे कह भी नहीं सकते कि आप फीस जमा करो, ठीक है ना। लेकिन देखिए क्या है कि ये तब तक चलेगा जब तक कि क्या है कि हम एक वीडियो बना रहे। कभी कभार क्यों गैप हो जाता है, गैप इसलिए हो जाता है कि हम भी थक जाते हैं। आपको अभी ने शुरू में दिखाया ना कि हमने कितने वीडियोस बनाए। आप सोचो सब मैंने अपने इंडिविजुअल जो है वो कह के मतलब तौर पर किए गए कार्यों की वजह से बनाया। हमने जो है अभी तक कहीं पर भी जो है, क्योंकि एक होता है कि मोबाइल से बना के डाल देना और एक होता है कि आप उसको एक प्रॉपर वे में बनाएं, उसमें वक्त लगता है। उसमें जो है आपको एक डिजिटल बोर्ड लिया, कैमरा उसी के हिसाब से होना चाहिए, लैपटॉप जो है समझिए लैपटॉप जो सामान्य, हमने सब कुछ सीखा है इस दौरान कि हमने देखा कि लैपटॉप जो सामान्य लैपटॉप 40,000 वगैरह सबका जो आता है, जो ऑफिशियल वर्क वगैरह का होता है, जो सामान्य तौर पे लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, आप समझ जाइए कि उसमें वीडियो रेंडरिंग वेंडरिंग नहीं हो सकता है, वीडियो एडिटिंग उसमें उतना बेहतरीन नहीं होता है और इतना ना टाइम टेकिंग होगा कि अभी मैं एक घंटे से ऊपर लेक्चर ही जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर एक घंटे का लेक्चर का मतलब है कि ये जो है 16-17 GB का, 15 GB का के आसपास ये रॉ फाइल है। अब इसको जो है ये 15 GB डायरेक्ट यूट्यूब में अपलोड नहीं हो सकता है, इसकी रेंडरिंग होती है, रेंडरिंग होती है तो ये 2 GB का बनेगा, 2 GB 2.5 GB का बनेगा, तो ये जाके अपलोड होता है। तो पहले क्या होता कि 15 GB को 2 GB में रेंडर करने में आप समझ जाइए 5-6 घंटे लग जाते थे। और अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं रात रात भर जो है 2-2, 3-3 बजे रात तक, जैसे अभी अभी जो है बज रहा है मान लीजिए 8 बज रहे हैं, ठीक है ना, रात हो गई 8 बज रहे हैं, 8 बजे हमने बनाया, 8 बजे बनाया कुछ और वीडियोस, मैं चूंकि और भी चैनल पे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, वहाँ के लिए वीडियोस बना, तो 10-11 बजे मैं फ्री हुआ। 11 बजे के बाद उसकी एडिटिंग होती थी, फिर वो 1.5 घंटा 2 घंटे 1 घंटे एडिटिंग में लगता था, उसमें और भी थंबनेल वगैरह बनाने में। फिर उसके बाद क्या होता था, उसकी रेंडरिंग होती थी, रेंडरिंग में 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते थे। फिर सुबह सुबह जो है 6 बजे मैंने बना लिया था कि 6 बजे तक डालना है, फिर उसके बाद कभी कभार रात रात भर हो जाता था और इतना ज़्यादा हैक्टिक हो जाता था, इतना हैक्टिक हो गया है वास्तव में देखा जाए। लेकिन क्या है कि मैं मतलब जो है इसको अदरवाइज मत कीजिएगा, देखिए जब तक हमारे हम हैं या जब तक हमें लगता है कि, लेकिन मैं मुझे लगता है कि वास्तव में इसको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ फीस रखनी होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं कोई बहुत ऐसा जो है 10,000-20,000 की फीस या इस तरह की कुछ नहीं, ऐसी फीस रखूँगा कि जिसमें आप भी अफोर्ड कर सकें, ठीक है, और हमारा भी काम चलता रहे, क्योंकि हम हमेशा इतनी मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़, हमें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना हो, क्योंकि आपको एक घंटे का वीडियो दिखता है, लेकिन एक घंटे में आप सोचिए इतनी चीजें हमने लिखे हैं, हमने लिखा है, आप बताओ कि इतना लिखने में, एक घंटा बोलने में लग गया, और जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ ना, आप किसी भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये जो इतनी बातें हैं, ये बातें जो है जितना लिखा है, तो आपको कितना वक्त लगा होगा, आप सोचो। मैंने इंग्लिश में भी लिखा, हिंदी में, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने खुद से पढ़ा, खुद से समझा, हमने बहुत सारे जो है वो क्या है कि किताबें पढ़ी, हमने नेट पे सर्च किया, सब करने के बाद फिर मैं आपके सामने में आता हूँ और एक घंटे में देख के जाता हूँ। आपको तो एक घंटा लगता है ना, लेकिन मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है कोई भी चीज़ का, है ना, तो ये चीज़ समझिएगा। लेकिन मैं अभी तक मैं संकोचवश ही नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन ये हमारी ज़रूरत है, इतना हमें जो है वो करना होगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का, तो सुधार की भावना मैं बार बार यही कह रहा था कि ज्ञान अर्जन तथा सुधार, ये बात मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैंने कितना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, मैं केवल और केवल आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि हुनर पैदा करिए। जब जो सिचुएशन हो ना, उस सिचुएशन में अब ये मैं कहूँ कि और लोगों के, बस मैं अपनी बात जानता हूँ, मैं अपनी बात जानता हूँ, मुझे और क्या करना है, हमने ऐसा नहीं कि मैंने किसी को कहा नहीं होगा, मैंने सबको कहा, लेकिन मैं वो जो है एकला चलोरे वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, जो हमने आपको स्वदेशी आंदोलन के दौरान बताया था कि अगर नहीं कोई नहीं चलता तो हम क्यों रोना रोएं, हम खुद से जितना कर सकते उतना करेंगे, कि कोई ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो क्या भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, किसी को दबाव तो बना नहीं सकता हूँ, तो जो हम कर सकते हैं मैं करूँगा, ठीक है ना, जहाँ पर भी जो है। तो और क्या है कि मुझे सीखना पड़ा बहुत सारी चीज़ें, मैंने कैसे मतलब जो है बहादुरी से या कितना ट्रिक लगा के, दिमाग लगा के कोई चीज़ सीखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामान्य तौर पे जो है वो क्या नहीं बताते, तो कुछ लोग हमारे पास कुछ थे जो सिखा देते थे बता देते थे, उस चीज़ में फिर खुद से इतनी मेहनत उसमें करके धीरे धीरे सीखने लगा। तो ये इतना मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना काम मैं कर लेता हूँ। मैं किताब, मेरी किताब भी जो देखे होंगे वो सारा टाइप मैंने खुद किया हिंदी की, केवल फ्रंट पेज का कवर पेज बनवाने के लिए, बाकी पूरा अंदर का देखेंगे सब एक जैसा है, सब मैंने किया। तो वो मैंने यहाँ पे कहने का मतलब है कि कहने का मतलब हुनर पैदा करिए,
ज्ञानार्जन की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और साथ में क्या, सुधार करते रहो। सुधार अभी थोड़ा करोगे, ज़्यादा करोगे, ज़्यादा करोगे, फिर क्या, एक दिन एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आप, है ना। इसलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं हमने कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया, मैं कभी भी अपने को तुच्छ ही समझता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत कमियाँ हैं, बहुत सुधार करना है, अभी तो बहुत आगे जाना है, और शायद इतना आगे जाना है कि ये उम्र जो है वो कम पड़ेगी, और हम लोग सुधार करते करते जो है इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल चलिए सुधार की भावना का विकास करें। 9, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, मैं एक मैसेज देखिए, देश के लिए बहुत बड़ा जो है, आप केवल बॉर्डर पे सैनिक ही लड़ेंगे क्या? हम अपने देश के अंदर क्या फर्ज अदा कर सकते हैं? फर्ज अदा कर सकते हैं कि हम जो है कि कहीं कुछ हुआ तो भाई हम बस ही जला दे रहे हैं, हम जो एकदम बेवजह हड़ताल, बेवजह किसी मारपीट, हिंसा, आग लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये गलत है। सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, इसलिए इसको मेंशन किया गया। और अक्सर ऐसा होता है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, ठीक है। इसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, 10वां नंबर है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। कोशिश कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा और अच्छा करूँगा, हर वीडियोस में कोशिश करता हूँ मैं। शुरू के वीडियोस देखिएगा, ठीक है ना, आप लोग केवल सर्च करिए। वैसे मुझे कहने में भी खराब लगता है, आप लोग सोचते होंगे कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए या मतलब ज़्यादा, अरे आप देखो आपके लिए है, ठीक है ना, व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो उसमें कौन सा नुकसान आपका होना है और कौन सा फ़ायदा हमको बहुत ज़्यादा हो जाना है, यहाँ पे बात समझिएगा। आप केवल वीडियोज़ पुराने मेरे एकदम शुरू के वीडियोज़ देखिएगा, शुरू के वीडियोज़ में देखिएगा किस तरह की क्वालिटी है, उसमें फिर क्या है, चेहरा ही दिख नहीं रहा है, जो लिख रहे हैं पता ही नहीं चला, आवाज़ ये ठीक नहीं आ रही, लाइट्स चेहरे पे पड़ नहीं रही है ठीक से, सब कुछ देखिएगा उसमें सारी दिक्कतें, सब रिसर्च करते रहा उस पर जो है, वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बनी रही, सुधार की भावना बनी रही, तो धीरे 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 क्या है, आज वीडियोस एकदम चेहरे पर कहीं कोई लाइट नहीं है, हमें दिखना चाहिए ना, मैं जो बोल रहा हूँ, बोलने वाले का चेहरा ना दिखे तो आपको कैसा लगेगा। तो आप शुरू का वीडियोस देखिएगा और अब जो वीडियोस जा रहे हैं लॉकडाउन में, आप पूरा अंतर देखिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया व्यक्तिगत स्वामित्व, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाई छू सके। और ध्यान रखिएगा, ये 10वां जो है ना, ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, राज्य की भी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके बाद टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, ठीक है। 11वां है, यदि माता पिता या संरक्षक है, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के प्रति शिक्षा के अवसर प्रदान करें, राज्य का भी है, ठीक है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। हु इज ए पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वायर्ड बिटवीन द एज 6 and 14 वनली, ठीक है ना। ये चीज़ है, पूरी जो व्यवस्था है, हमने पूरा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो है वो बात है, ठीक है ना। फिलहाल जो है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से सुनना है, जो भी बातें हमने की वो आपको जो है बेहतर तरीके से समझना है। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, बुरा भी हो तो भी लिखो आप, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि बुरे जो कमेंट्स होते हैं, मैंने एक जगह पढ़ी प्रशंसा, प्रशंसा जो है ना वो भी क्या है कि वो तो प्रशंसा एक डायरेक्ट, आपका आलोचना भी मेरे लिए एक प्रशंसा के तौर पे ही जो है वो करे, कहीं ना कहीं आप हमारे बारे में सोचते हो, तभी तो आप मेरे जो है वो क्या है कि मेरी, मेरे से ईर्ष्या करते हो या मेरी आलोचना करते हैं। तो आलोचना भी करनी हो तो ज़रूर करिए, ताकि मैं अपनी कमियों को समझ सकूँ। आपकी आलोचना ही हमारे लिए दर्पण क्या कार्य करेगा और उसमें इम्प्रूवमेंट की जो है वो क्या है कि गुंजाइश बनाए रखेगा। तो मैं आज विदा लेता हूँ, कल मैं फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।